नमस्कार, स्वागत है आपका। चीन अपने आंतरिक मामलों में ही इस वक्त पे इतना उलझा हुआ है, लेकिन उसकी नज़र जो है वो भारत की तरफ है, हू लाइन की तरफ। जिस तरह से जो बौद्ध लोग हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर जो उइगर मुसलमानों का जिक्र होता है, उन सारी चीज़ों को लेकर आपको पता है चीन में किस तरह का माहौल है। साथ ही साथ चीन अपने पड़ोसी देशों में, जिसमें हम ताइवान का जिक्र भी कर रहे हैं, या फिर पड़ोसी देशों से थोड़ा दूर भी जाए थाईलैंड जैसा देश, जो उसकी एक महत्वपूर्ण परियोजना में उसका हिस्सेदार था, उसने किस तरह से हाथ पीछे खींच लिए वो हम सब लोग जानते हैं। ताइवान का साथ अमेरिका दे रहा है, क्योंकि ताइवान को लेकर भी चीन की अतिक्रमणकारी जो सोच है वो लगातार सामने दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ भारत को लेकर भी जो उसका अभी तक जो रुख रहा है वो हमेशा यही बताने के लिए काफ़ी रहा है कि चीन किस तरह से हमारे ही खिलाफ जो है वो चीज़ों को एक्टिव करता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि अभी वहाँ पर उसने चीज़ों को नहीं सुलटाया है। मतलब अपने यहाँ तो चीज़ें वैसे ही ख़राब चल रही हैं। आपको पता है हांगकांग वाला मसला भी, उसको लेकर भी चीन के खिलाफ किस तरह से हांगकांग के लोग विरोध जता रहे थे कानून को लेकर, और इस पर महीनों का प्रोटेस्ट चला है। उसके बाद जब कोरोना वायरस की सिचुएशन आई तब ये प्रोटेस्ट जो है वो थमता हुआ नज़र आया, क्योंकि लोग खुद को पहले बचाना चाह रहे थे और उसके बाद फिर विरोध करना चाह रहे थे। जैसे ही थोड़ा सा डाउन हुआ कोरोना लॉकडाउन के तुरंत बाद जो है वो हमने हांगकांग के लोगों को फिर विरोध करते हुए देखा। तो एक तरफ हांगकांग की स्थिति, एक तरफ ताइवान की स्थिति, थाईलैंड जैसा देश पीछे, भारत लगातार विरोध जता रहा है, पूरी दुनिया में इस वक्त पे चीन को लेकर के जिस तरह का माहौल है, और सारी चीज़ें ये कि आंतरिक मामलों में जिस तरह से चीन की स्थिति गड़बड़ दिख रही है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि चीन के पास अपने अंदर ही अभी समेटने को बहुत कुछ है, लेकिन वो चीज़ों को भारत की तरफ इस वक्त पे केंद्रित रख रहा है, और भारत कहीं ना कहीं उसके फोकस पर है। वो ये कह रहा है कि हमें जो है वो पहले इंडिया को देखना है और इंडिया से जो है वो लैंड का टुकड़ा वापस लेना है जो उनका कभी था ही नहीं। तो ये चाइना का जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, देखते हैं कि इस पर चाइना को कामयाबी मिलेगी। मुझे नहीं लगता है कि उन्हें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि अपने अंदर का ही एक ऐसी स्थिति है जो गृह युद्ध से कम नहीं है चीज़ों को लेकर के, लेकिन क्योंकि वहाँ से चीज़ें बाहर निकल कर नहीं आती हैं, क्योंकि जो मीडिया है वो स्टेट ही ओन करता है, तो ऐसे में हालात बहुत ख़राब है, लेकिन चीन की नज़र भारत पर है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।